संभाल सखी सूरती फूटे नगागरी।
बहुत ही सुंदर भजन हम लोग श्रवण कर रहे थे और भजन का कार्यक्रम तो समापन होना चाहिए लेकिन मजबूरी है, एक संत हमारे बीच में है और सत्संग का मूल चीज है नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। एक छोटा सा भजन हम लोग श्रवण करेंगे, उसके बाद विचारों क्रम चलेंगे। ब्रह्मचारी श्री रवि जी से निवेदन है एक भजन हम लोग बीच रखें। हेलो, परम पूज गुरु संत के चरण कमल श्रीधार, करो बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ त्रिवार। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मंगल भाई, संत समाज, आए हुए भक्तिमती माता एवं बहनों, आई आप लोग के बीच एक भजन रखने का प्रयास कर रहा हूँ जो धर्मदास का रचित ये भजन है, आप लोग श्रवण करें। सत्संग में आबू जीवन सुधारू, सत्संग में आबू जीवन सुधारू, मानो कहनिया ना, मानो कहनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पेवा, मानो मानो कहनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पेवा, मानो मानो कहनिया ना। सत्संग में आबू जीवन सुधारो, सत्संग में आबू जीवन सु, मानो कहनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पेवा, मानो मानो कहनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पेवा, मानो मानो कहनिया ना। करो तू जवानी में नर्तन के बामा ने बराई, भक्ति करो तू जवानी में, बीती जवानी आई बुढ़ापा अकर गए तो चुलानी में, बीती जवानी आई बुढ़ापा अकल गए तुर चुलानी में। प्रभु जी के आगे ना चली है भैया, प्रभु जी के आगे ना चली है भैया, कोनो बहनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पेवा, मानो मानो कहनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पेवा, मानो मानो कहनिया ना। सत्संग में आबो जीवन सुधारो, सत्संग में आबो जीवन सुधारो, मानो कहनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पेवा, मानो मानो कहनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पेवा, मानो मानो कहनिया ना।
मन दौलती अरु माले खजाना एक दिन जई है पानी में। अब ही राम के सुमरन कर लो दो दिन के जिंदगानी में। अब ही राम के सुमरन कर लो दो दिन के जिंदगानी में। धर्म दास के है अरजिया, धर्म दास के है अरजिया, कर ले भजनिया ना। अरे भैया ऐसन समैया न पैवा, मानो मानो कहनी आना। अरे भैया ऐसन समैया न पैवा, मानो मानो कहनी आना। सत्संग में आबू जीवन सुधारो, सत्संग में आबू जीवन सुधारो, मानो मानो कहनी आना। अरे भैया ऐसन समैया न पैवा, मानो मानो कहनी आना। अरे भैया ऐसन समैया न पैवा, मानो मानो कहनी आना। अरे भैया ऐसन समैया न पैवा, मानो मानो कहनी आना। मानो मानो कहनी आना, मानो मानो कहनी आना। भजनों का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग विचारों की तरफ चलें, और विचारों के क्रम में मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं, कबीर आश्रम भठेली जलालगढ़ से पधारे हुए संत श्री आदर्श रूप साहब से आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु देव की जय। 15 मिनट तक साहब जी के विचार हम श्रवण करेंगे। बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। सभी श्रोता भगवान की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी मन पर विराजमान, अर्चनीय वंदनीय विरति विवेक सद्गुण संपन्न आदरणीय संत महापुरुषों, त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम के अंतिम दिन और अंतिम सत्र में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ग्रामवासियों, बुद्धिजीवियों, श्रद्धामूर्ति माताओं एवं बहनों, सदगुरु कबीर ने कहा है, तन वोहित मन काग है, लक्ष्य योजन उड़ी जाए, कभी के भर में अगम दरिया, कभी के गगन रहे। सदगुरु कबीर कहते हैं यह तन एक बोहित है। बोहित कहते हैं पानी में तैरने वाले जहाज को, समुद्र में तैरने वाले जहाज को बोहित कहा जाता है। जैसे समुद्र में जहाज जब उतरता है तो समुद्र के धारा की तरफ बहना चालू हो जाता है, और बहते बहते बहुत दूर निकल जाता है, और उस जहाज पर कोई पक्षी बैठ जाए और समुद्र के बीच में चले जाए तो फिर वहां से उनको उड़ना, अगर उड़ भी जाए तो उड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीच समुद्र में आ गया है। उस समुद्र से निकल करके भागना उसके लिए बड़ी परेशानी का घर हो जाता है।
वह चारों तरफ रुकने के लिए सोचता है, ठहरने के लिए सोचता है, बैठने के लिए सोचता है, लेकिन कहीं उसे कुछ ठौर ठिकाना नहीं मिलता है। पुनः वह उसी जहाज पर आकर के बैठना चाहता। सदगुरु कहते हैं, संसार रूपी भवसागर से तैरने के लिए जीव के लिए शरीर एक जहाज है, शरीर एक संबल है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हमें मोक्ष का काम होगा, कल्याण का काम होगा, साधना का काम होगा। मनुष्य का शरीर अगर नहीं रहे तो पशु का शरीर बहुत है, घोड़ा गधा कुत्ता ऊंट बिल्ली खच्चर का शरीर है, लेकिन कहीं पर भी साधना का काम नहीं हो रहा है। भोग तो हो रहा है, बच्चे पैदा वहां भी हो रहे हैं, मनोरंजन का काम वहां भी हो रहा है, लेकिन जो मनुष्य शरीर जिसको कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में सजाया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक सवारा, कि साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा कल्याण प्राप्त करने के लिए, मोक्ष का प्राप्त करने के लिए अगर कुछ है, कुछ चाहिए, तो मनुष्य का शरीर पहला जरूरी है, क्योंकि यही शरीर से हम मोक्ष के रास्ते पर जा सकते हैं, इसी शरीर से हम कल्याण के रास्ते पर जा सकते हैं, दूसरे और किसी शरीर से नहीं जा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का शरीर धरती तल का सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य को कहा गया है, मनुष्य शरीर को कहा गया है, और मनुष्य को हटा दिए जाए तो सभी के सभी प्राणी चुपचाप भूखे मर जाएगा, किसी से कुछ होने वाला नहीं है। आज मनुष्य के नाते सब कुछ है, मनुष्य के नाते सत्संग है, मनुष्य के नाते भजन है, मनुष्य के नाते अजाम प्रोग्राम है, मनुष्य के नाते आर्केस्ट्रा है, मनुष्य के नाते टेंट पंडाल है। मनुष्य को मूल से हटा दिए जाए, मनुष्य और मनुष्य शरीर को, तो दुनिया में किसी चीज का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। भगवान भी अगर, भगवान का अस्तित्व भी बचा हुआ है, ईश्वर और परमात्मा का अस्तित्व भी बचा हुआ है, तो कारण उसमें है कि मनुष्य, मनुष्य नहीं होगा तो भगवान को पूजने वाला दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। मनुष्य नहीं होगा तो भगवान का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा, लेकिन जिस जगह में, जिस स्थल पर मनुष्य की बात होती है, मानव की कथा और मानव की व्यथा की चर्चा होती है, आज उस स्थल पर मनुष्य पहुंचना बहुत कम चाहता है। इसी जगह से अगर राम की कथा शुरू हो जाए, इसी जगह से कृष्ण की कथा शुरू हो जाए, 3 दिन तक सत्संग होगा, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये लोग परमात्मा की चर्चाएं नहीं करते हैं, ये लोग किसी देवी और देवता की चर्चाएं नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर और सदगुरु कबीर के चरण चिन्हानुगामी जितने भी हुए हैं वो केवल मनुष्य की चर्चा करते हैं, क्योंकि मनुष्य आज सही हो जाए, मनुष्य का मानसिक धरातल सुधर जाए, तो दुनिया का सभी प्राणी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, दुनिया के सभी प्राणी को जीने का हक मिल जाएगा। अगर दुनिया में प्राणी परेशान है तो मनुष्य के नाते हैं। मनुष्य आज मुर्गा को काटता है, मछली को काटता है, पेड़वा को काटता है, ऊंच खच्चर सबको काट काट के बर्बाद कर देता है, और कहता है कि इनको नहीं काटेंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो हमें खाने लग जाएगा। अब थोड़ा सोचिए कि हमारे इस इलाके में बहुत लोग ऐसे जो कुत्ता नहीं खाता है, कुत्ता की संख्या क्या बढ़ गई है, नहीं बढ़ी है। कुत्ता नहीं खाता है, बहुत लोग सांप इस इलाके में नहीं खाता है, आज सांप निकलना बंद कर दिया, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतना जहर हो गया है कि सांप भी अपने बिल से निकलने का काम छोड़ दिया है। इसे सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य के अंदर इतना जहर है। एक तोता को देखिए, सुग्गा को देखिए, सुग्गा लाल मिर्ची खाता है, बहुत तीखा तीखी होती है मिर्ची, बड़ा कड़वा लगता है। सुग्गा वह लाल मिर्ची खाकर जब बोलता है तो मीठा मीठा बोलता है, लेकिन आदमी रसगुल्ला खाता है, मिश्री खाता है, गुलाब जामुन खाता है, बर्फी खाता है, पता नहीं दुनिया के कितने कितने प्रकार के मिठाई खाता है, खाने के बाद भी जब आदमी बोलता तो ऐसा लगता है आग उगलता है, उगल रहा है कि नहीं। ये मनुष्य के लिए कहते हैं,
मनुष्य के पास सब कुछ का भंडार है, लेकिन सब कुछ का भंडार होते हुए पर मनुष्य आज सबसे गया बीता प्राणी इसको कहा गया है, इसलिए कि जीने की कला इनको नहीं आई। मनुष्य तो है लेकिन मनुष्य के रूप में सीधा बैल के जैसा जीवन जी रहा है। सदगुरु कहते हैं कि बोहित, यह तन क्या है? बोहित है, तैरने के लिए, समुद्र से निकलने के लिए है। इस संसार से पार जाने का एक ही साधन शायद मनुष्य के लिए शरीर है। ये मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो व्यक्ति अपना कल्याण नहीं किया, अपने आप का उद्धार नहीं किया और दुनिया के झंझटों में पड़ा रह गया, तो समझिए वह मनुष्य शरीर तो मिला लेकिन मनुष्य शरीर की सार्थकता को नहीं समझ पाया। मनुष्य शरीर प्राप्त करके उसके जो करना चाहिए अपना उद्धार और सुंदर सब समाज का निर्माण, वह काम वह नहीं कर पा रहा। इसीलिए मनुष्य के जीवन में अशांति है, मनुष्य का जीवन मन पीड़ित है, मनुष्य का जीवन अशांत और अभाव का जीवन जी रहा है इसी कारण से। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तन बोहित मन काग है। अगर दुनिया से हमें जाना है, दुनिया से तैरना है, हमें सुंदर सब समाज का निर्माण करना है, तो मानव शरीर की सार्थकता को समझना पड़ेगा, मनुष्य शरीर का पहला महत्व देना पड़ेगा। चूंकि मनुष्य शरीर से साधना होगा, मनुष्य शरीर से योग होगा, तो मनुष्य शरीर से भोग भी होगा। अगर योग नहीं होगा तो भोग भी नहीं होगा। आज सभी लोग शरीर की ही बात करते हैं, शरीर को ही लोग दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तरह तरह के उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, शरीर को जलाने के लिए, शरीर को तपाने के लिए तरह तरह के उपाय आज दुनिया में चल रहा है। कबीर ने कहा कि जज्जा ईतन जियतन जारो, जोबन जारी युक्ति तन पारो। कबीर देव कहते हैं कि शरीर को जलाइए मत, जीते जी शरीर को कष्ट मत दीजिए, जीते जी शरीर को तपाइए मत, क्योंकि शरीर साधन है। जज्जा ईतन जियतन जारो, जोबन जारी युक्ति तन पारो। आज साधु महात्मा भी शरीर को जलाने के लिए, शरीर को खत्म करने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। कोई खड़े रहता है 12 साल तक खड़े रह गया, कोई चलता है तो चलते रह जाता है, कोई बैठता है तो बैठे रह जाता है। ऐसी ऐसी जगह है जहाँ जाइए साधु महात्मा, इस भीषण गर्मी में जहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है, चारों तरफ से आग जला करके और कपाड़ पर भी आग जला के रख लेता है और सोचता है कि ऐसा करेंगे तो भगवान परमात्मा हमसे खुश होकर के हमें क्या दे देगी, मुक्ति दे देगी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जज्जा इतन जियतन जारो, जोबन जारी युक्ति तन पारो। जो कछु युक्ति जानी तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। सदगुरु कहते हैं कि ड्रामा करने से मुक्ति नहीं मिल जाएगी, ये नाटक करने से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। मुक्ति के लिए आपको अपने मन की वासना को खत्म करना पड़ेगा। मन के अंदर जो वासना है, हमारे मन के अंदर जो विकार है, क्योंकि आज उपद्रव का कारण अगर कुछ है तो हमारा मन है। मुक्ति और भक्ति में कुछ भी बाधा करता है तो हमारा मन करता है। इसलिए नीतिकार ने कहा कि मन ए मनुष्य नाम कारणम बंद मोक्षयो। जीवन में बंधन और मुक्ति का कारण कोई है तो क्या है, वह मन है। हमारा गड़बड़ हमारा बिगड़ा हुआ मन। श्री सदगुरु कहते हैं कि तन बोहित मन काग है। हमारा मन जब काग बनता है, इस शरीर में रह करके हमें मुक्ति के रास्ते पर जाने नहीं देता है, हमें भक्ति के रास्ते पर जाने नहीं देता है, हमें सुंदर सब समाज के निर्माण के रास्ते पर जाने नहीं देता है, क्योंकि मन सब उपद्रव का कारण बन जाता है। इसलिए मन को सुधारने के लिए, मन को बस में करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक दिलीप साहब बहुत दिन से परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके, चाहे गांव के लोग साथ दे या नहीं दे, लेकिन वह डटे रह गए। और उसमें भी प्रकृति का व्यवधान ऐसा देखिए कि रात में इतना अंधड़ तूफान आया कि सारा का सारा खेल क्या किया, खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी यह पंडाल आज बन करके तैयार हो गया। यह क्या है? मन की शक्ति है। और हम सभी लोग बैठ करके इसकी छत्र छाया में क्या ले रहे हैं? ज्ञान ले रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि इसी ज्ञान के माध्यम से हमारा मन क्या होगा, सही रहेगा। इसी ज्ञान के माध्यम से हम अपने मन को सही दिशा दे सकते हैं।
इसी ज्ञान के माध्यम से हम अपने मन को सही गति दे सकते हैं। एक उदाहरण से समझे, कहा जाता है एक राजा, राजा के मन में आया, राजा को एक बकरा, और राजा ने शर्त रख दिया कि हमारे इस बकरे को जो पूरा कर देगा, इनके मन को जो संतुष्ट कर देगा, उस व्यक्ति को हम आधा राज अपना दे देंगे। आधा राज राजा के लेने के लिए कौन तैयार नहीं होगा, बड़ा बड़ा लोग हो जाएगा तैयार, जिसके पास करोड़ों है, खरबों है, अरबों है, वह भी तैयार हो जाएगा। सबके सब लोग लाइन लगा दिए कि इसका हम इस बकरे की इच्छा को हम पूरी कर देंगे, इसके मन को हम भर देंगे। राजा ने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन शर्त एक है कि बकरे के मन पूरा हो जाना चाहिए, इनकी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, अगर इच्छा पूरी नहीं होगी उस व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया जाएगा। सभी लोग बड़ा प्रयास किया, बड़ी मेहनत किया, बड़े प्रयास और बड़ी मेहनत के साथ राजा का बकरा लिया और लेके चल दिया उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। सुबह से शाम तक बकरे को खूब चराया, हरी हरी घास खिलाया, खूब खिलाया उसको पेट भर के, और ला करके राज दरबार में बांध दिया। राजा साहब आए, बोले कि क्या बकरे की इच्छा पूरी हो गई? कहा हाँ पूरी हो गई। राजा साहब ने अपने मुनीम से कहा कि बकरे के सामने हरी हरी घास लाकर दिया जाए। उनका मुनीम बकरे के सामने हरी हरी घास ला के जैसे देता है, बकरा खाना चालू कर दिया। मुंह रुकेगा उसका? उसका मुंह नहीं रुका, खाना चालू कर दिया। राजा ने कहा कि नहीं इच्छा पूरी, चलो इनको फांसी पर लटका दो। उस व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया गया। दूसरे का नंबर आया। इसी तरह कहा जाता है एक के बदले एक, एक के बदले एक सब बकरे को लेकर के चला गया चराने के लिए, उनकी मन की इच्छा पूरी करने के, उनके मन को भरने के लिए, लेकिन बकरे का मन कोई नहीं भर पाया। सबको फांसी पर लटका दिया गया, सबको जेल में बंद कर दिया। जब सबको जेल में बंद कर दिया, उसी रास्ते से सदगुरु कबीर साहब जा रहे थे, देखा कि सब जेल में बंद है, कोई है मैयो बापो कपाड़ पीट रहा, कोई पेट डंगारा हुआ तो हुआ क्या, सब परेशान बेचारा। कबीर साहब उसी रास्ते से जा रहे थे, उनको मालूम हुआ कि ऐसी ऐसी बात है। सदगुरु कबीर गए राजा साहब के पास, कहा कि बकरे की इच्छा पूरी हम कर देंगे, मुझे दिया जाए। सदगुरु कबीर उस बकरे को लिए और लेकर के चला गया चराने के लिए। हरी हरी घास में बकरा को दे दिया, और बकरा जैसे घास चरने के लिए तैयार हो, तो बकरा को फटाक से दो छड़ी लगा दी। बकरा जैसे खाने के लिए तैयार हो, फट से दो छड़ी खींच दे। बकरा जैसे एक दो बार चरे, फिर दो छड़ी लगा दे। ऐसे सुबह से शाम तक बकरे को छड़ी दिखाते दिखाते बकरा अंतिम में चरना क्या किया, बंद कर दिया। बकरे के पेट में कुछ नहीं है, चूहा मर रहा है, बकरा सुबह से शाम तक एकदम खाए बगैर मर रहा है। शाम में कबीर साहब बकरे को ले जाकर कुछ राज दरबार में बांध दिया, और राजा जी से कहा कि चलिए इस बकरे को आप कुछ खिलाइए, खिला के दिखा दीजिए। कहा कि अगर खिला दे, अगर बकरा खा, कबीर साहब ने कहा कि बकरा अगर खा लेगा तो हमको भी जेल में बंद कर दीजिएगा, अगर बकरा नहीं खाएगा तो जितने को जेल में बंद किए सबको वहां से निकालना पड़ेगा, मेरा भी शर्त है। वही शर्त रखा। बकरे के सामने राजा जी ने मुनीम से कहा कि लाओ हरी हरी घास। हरी हरी घास ला करके सामने रखा गया। बकरा जैसे खाने के लिए तैयार होता है, कबीर साहब की छड़ी उसे उधर याद आ जाती है, क्योंकि छड़ी हाथे में लग रखा है। वहां पर कबीर साहब की छड़ी हाथ में जैसे देखता है बकरा, बकरा घास खाना बंद कर देता है। घास खाना जैसे बंद करता, बहुत प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया राजा घास खिलाने के लिए। क्या बकरा घास खा लेगा? नहीं खाएगा। क्यों? कि बकरा को डर है अगर खाएंगे तो फिर वो छड़ी हमारे ऊपर लग जाएगी, फिर हमें मार खानी पड़ेगी। इसलिए बकरा छड़ी को घास खाना पसंद नहीं किया, छड़ी के डर से। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह आज हम लोग को भी ऐसे ही लोभ दिया जाता है, ऐसे ही हम लोगों के अफवाह फैलाए जाते हैं, और हमारे समाज में ऐसे ऐसे गुरु घंटाल मिल करके, गुरु बन करके दुनिया के लोगों को माया मोह भरम और पाखंड में उलझन में इतना उलझा करके उनको जेल में बंद कर दिया है। उस जेल से निकलने के एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, वो क्या है? इस सत्संग का ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से हम गलत रास्ते से निकल सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से हम अज्ञान के रास्ते से निकल सकते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा
कुंभे बांधा जल रहे, जल बिना कुंभ न होए, ज्ञाने बांधा मन रहे, मन बिना ज्ञान न होए। जैसे एक घड़ा बनाते हैं, लेकिन घड़ा जो बना हुआ है, घड़ा में पानी का अंश है, मिट्टी को लगाने के लिए पानी दिया गया तब जाकर के घड़ा तैयार हुआ है, और उस घड़े में तब जाकर के पानी टिका हुआ। उसी तरह मन के बिना ज्ञान भी नहीं होगा और ज्ञान के बिना मन भी सही होने वाला नहीं है। मैंने कहा सदगुरु कबीर की वसा की कि तन वही तो मन काग है, लक्ष्य योजन उड़ी जाए, कभी के भर में अगम दरिया कभी के गगन रहे। सदगुरु कहते हैं कि जीवन कल्याण के लिए, शांति के लिए, परम सुख के लिए मन को सही होना, मन को सुंदर होना बहुत जरूरी है। हमारा मन सही, हमारा मन सुंदर तब होगा जब इस सत्संग रूपी ज्ञान को हम अपने जीवन में स्थान देंगे। अगर इस ज्ञान को हम अपने जीवन में स्थान देंगे, समझिए 3 दिन का आयोजन कराना हमारे इस सत्संग के आयोजक संत श्री दिलीप साहब के लिए सफल रहेगा। और हमारा प्रयास भी ये होना चाहिए कि ज्ञान को हम अपने जीवन में स्थान दें। धन को स्थान देते हैं, पद को स्थान देते हैं, सुंदर कपड़े और सुंदर गाड़ी को स्थान देते हैं, सुंदर महल और सुंदर भवन को स्थान देते हैं, सुंदर सब कुछ का स्थान देते हैं, लेकिन सुंदर ज्ञान का भी सुलझे हुए आत्म ज्ञान का भी हम महत्व दे, स्थान दे, तभी हमारा जीवन, हमारा मन पवित्र होगा। और हमारा मन जब पवित्र होगा तो पवित्र मन में ही स्वर्ग का वास होता है। बस इतना ही कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।